क्षेत्रों में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे, तो क्या कुछ लोगों को जो है ज्यादा समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में, अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जनता से लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये साल हमारा संगठन और संघर्ष दोनों साथ साथ चलेंगे। संगठन का भी हम गठन कर रहे हैं बूथ लेवल तक, और साथ में जो संघर्ष के कार्यक्रम है वो भी चला रहे हैं। जनता को सबसे बड़ी इस समय परेशानी है महंगाई। जहाँ हम जा रहे हैं, पॉश कॉलोनी से लेकर के और गरीब बस्तियों तक, मलिन बस्तियों तक, मोहल्लों से लेकर के और बड़ी बड़ी कॉलोनीज में जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई का है। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, और ये बड़ी पॉश कॉलोनी और जो बड़े लोगों की कॉलोनीज हैं उसमें भी असर इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि लोगों का बड़े पैमाने पर कोरोना के कारण रोजगार चला गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। बड़े बड़े जो पैकेजेस लेकर के लोग काम कर रहे थे वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप देखेंगे जो क्रूज में काम कर रहे थे, जो नेवी में काम कर रहे थे, मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे, प्राइवेट मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे थे, उन लोगों के दफ्तर बंद हो गए, उन लोगों की कंपनीज बंद हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई है। उत्तराखंड का बहुत सारा नौजवान देश में और विदेश में काम करता है, वो सारा वापस आया हुआ है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी जो परेशानी है, गरीब आदमी, अमीर आदमी, साधारण आदमी, उसको महंगाई बहुत परेशान कर रही है। दूसरा, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार विकास की गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं। जो बेसिक नीड है आदमी की, पानी, बिजली, सड़क, सफाई, चौपट है सब पूरे प्रदेश के अंदर। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं पूरे राज्य में जर्जर हैं, सरकारी अस्पतालों में हालात खराब हैं। पूरे प्रदेश की जनता इस समय परेशान है। नौजवान तो आपको मैंने बताया ही, बेरोजगारी से जो बेरोजगार होकर आए वो भी परेशान है, जो पहले से पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश में थे वो भी परेशान है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं आज जनता की हमारे सामने आ रही है। सर, लगातार सीएम साहब आजकल क्षेत्रों के भ्रमण पर लगे हुए हैं और शिलान्यास कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको चुनावी वर्ष से, या मतलब पूरे प्रदेश का चार साल सत्यानाश किया तो अब शिलान्यास ही तो करेंगे। चार साल जब सत्यानाश किया तो अब शिलान्यास ही तो करेंगे। अब जाते जाते विदाई के टाइम आप देखते हैं कि जब जोत बुझने वाली होती है तो ज़्यादा तेज़ी से चमकती है।